अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सभी स्टूडेंट के लिए। जो भी बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरा है उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जल्द से ये काम करें। क्या है अपडेट, क्या आपको काम करना है, क्या आपको बड़ी अपडेट मिली है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल जो है नोटिस को जारी किया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना की तरफ से। क्या अपडेट जारी किया गया है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोग के आवश्यक सूचना या 1549 दिनांक 10 तारीख 5वां महीना 2024 द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में दिनांक 27/5/2024 संख्या 5 बजे तक सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु समय निर्धारित किया गया है। यानी कि बताया ये गया है कि आपका जो लास्ट डेट जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 तारीख 5वां महीना 2024 तक जो था फाइनल सबमिट था। यानी कि अगर आपका नेम में या फिर अगर आपके माँ बाप के नेम में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी तरीके की कोई भी फॉर्म में गलती थी तो आप 27 तारीख 5वां महीना 2024 तक जो है आप उसको सही करके फाइनल सबमिट कर सकते थे। बट जो है कि अब बड़ी अपडेट निकल कर आ गई कि और भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि अगर अभी तक आपने सुधार नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सुधार कर लें, क्योंकि 27/5/2024 के बाद भी आप आसानी के साथ सुधार कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप आगे देखने की कोशिश कीजिएगा तो बताया ये गया है कि ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु दिनांक 11/6/2024 तक अवधि विस्तारित की जाती है। यानी कि 27/5/2024 से लेकर यानी कि जो लास्ट डेट था अब बढ़ाकर 11/6/2024 तक कर दिया गया है। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। जितने भी कैंडिडेट है जल्द से जल्द आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सही कर लें। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे हैं, उनका लग रहा है कि अगर अभी सही नहीं करवाएंगे तो बाद में सही करवा लेंगे। देखिए, बात के चक्कर में आपको नहीं रहना है, क्योंकि जब अगर आपका नाम आ जाता है यानी कि इंटर लेवल जो वैकेंसी है उसमें अगर आपका नाम आ जाता है, लगभग 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और टोटल आपको पता है कि 11 से 12 हज़ार या फिर 31 या 32 हज़ार टोटल 11 हज़ार टोटल सीट है, तो अगर उसमें अगर आपका नेम आ जाता है तो आपको क्या होगा कि बाद में फिर आपको सुधार करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप जल्द से जल्द सुधार करवा ले। आपके अभी आपके पास जो वक्त है वह अभी काफ़ी वक्त है। उसके बाद आगे बताया कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि के उक्त कार्य करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट, ये वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in का, यानी कि बताया जा रहा है कि इस वाली वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से आप खुद से भी आप सुधार कर सकते हैं या फिर नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाएं, वहाँ से भी आप अपना पासवर्ड आपको बताना है, आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला था वो बताना है, उसके ज़रिए आप जो है यहाँ पे ओपन कर लेंगे वेबसाइट को। उसके बाद जो भी सुधार करवाना आसानी के साथ आप अगर आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे लिंक मैं डाला हूँ,
इंस्टाग्राम की, आप मुझे फॉलो करें, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज करके बिहार SSC इंटर लेवल वैकेंसी के बारे में आप जो है तफसीली से जानकारी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट का नेम वगैरह में गलती है, या फिर अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया कि हमारा फॉर्म जो है सही है या फिर नहीं है, तो आप जो है लॉगिन करें। लॉगिन करके बाद अपना नाम वगैरह आधार कार्ड से मिलाए, डॉक्यूमेंट से आपका अपना नाम वगैरह फॉर्म को मिलाए, अगर आपको कुछ गलती लग रहा है तो आप जो फौरन आप सुधार करवाएं और फाइनल सबमिट कर दें, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जून या फिर जुलाई में 100% होने वाला है, क्योंकि जुलाई में जून के पहले हफ्ते में होने वाला था, बट आपको पता है कि इलेक्शन की वजह से और BPSC का टीचर्स का भी एग्ज़ाम है, इसी वजह से थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, बट जल्द से जल्द जो एग्ज़ाम को लिया जाएगा। अगर इस बीच और कोई अपडेट निकल कर आएगी बिहार BSSC को लेकर, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।